मैं मजदूर दिवस पर सभी मजदूरों को शुभकामना देता हूँ, उसी के साथ जो मजदूरों का इस देश के लिए महान योगदान है उसको भी हम याद करेंगे, क्योंकि जो देश का विकास है, जो विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र की जो दौड़ है वो इन लोगों की बदौलत ही संभव है, और जो देश की जीडीपी है उसमें इन लोगों का महान योगदान है, उसको हम नकार नहीं सकते। और जो देश की जो आज विशाल इमारतें, जो देश का विशाल रूप ले रखा है आज देश ने, उसमें कहीं ना कहीं इन लोगों का महान योगदान है, और इन सभी को आज हम याद करते हैं। और उन लोगों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जब अभी कोरोना महामारी के टाइम इन लोगों को घर पहुँचने के लिए, अपने घर पहुँचने के लिए इतनी कड़ी मेहनत करनी पड़ी कि कुछ लोगों को तो 1000 किलोमीटर तक भी पैदल चलना पड़ा। उस पैदल चलने में उन लोगों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इनका जो साथ दिया, चाहे साधन लगाए, चाहे उनके खाने की व्यवस्था की, वो सभी लोग अभिनंदन के पात्र हैं। और प्रशासन ने, हमारे पूर्व मंत्री भरत सिंह जी ने सबसे पहले राजस्थान के मजदूरों का मुद्दा उठाया और उन्होंने एक लेटर लिख के चीफ सेक्रेटरी से मांग की थी कि जो भी मजदूर है राजस्थान में, जो कोने कोने में राजस्थान के जिले के कोने कोने में अलग अलग जिलों में फैले हुए हैं, उनको उनके घर तक पहुंचावे सरकारी साधनों से, और उनके खाने की भी समुचित व्यवस्था का प्रबंध किया जाए, भरत सिंह जी ने मांग की थी। उसी के मांग के बाद हमारा राजस्थान सरकार हमारी सक्रिय हुई और मजदूरों को घर घर तक पहुँचाने का कार्य किया। उसी परिप्रेक्ष्य में 3-4 दिन से जिले में एक अभियान के रूप में प्रशासन ने सभी मजदूरों को, करीब 4000 मजदूर अपने अपने घर पहुंचाए हैं सरकारी साधनों से। कुछ लोगों को अपने जो प्रदेश है उसकी बॉर्डर तक पहुंचाया, वहाँ उनके दूसरे प्रदेश की सरकारी साधन आ गए थे, लेकिन कुल मिला के उनको अपने घर पहुंचने में प्रशासन ने पूरी मदद की। और मैं मजदूर भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपका इस देश के निर्माण में जो योगदान है, उस योगदान को हम हमेशा याद रखें, और जहाँ भी हो सरकारी योजनाओं के माध्यम से या चाहे मतलब जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हम इन लोगों की मदद करें। ये गरीब लोग हैं, असहाय लोग हैं, लेकिन देश की उन्नति, देश की जीडीपी में और देश को विकसित राष्ट्र बनाने में इन लोगों का महान योगदान है, और इसको हम नहीं भूलें। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जी ने यूपीए सरकार में एक बिल लाई थी, खाद्य आपूर्ति बिल, वो पूरी तरह इन मजदूरों को समर्पित है और इनके बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार की योजना भी हमारी सरकार, यूपीए सरकार लाई थी। ये दोनों योजना इन मजदूरों के लिए बहुत सारा साबित हो रही है और होगी इन लोगों के लिए एक तरह से भविष्य बीमा निधि योजना।